हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 20 मई से ये फिजिकल जो आपके उत्तराखंड पुलिस के चल रहे हैं, इसको लेके बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन और कमेंट रहते हैं कि सर, फिजिकल के टाइम में कैसा होता है जब हम गेट पे एंट्री करते हैं। तो देखिए बच्चों, जिनका फिजिकल अभी नहीं हुआ है, ठीक है, उन सभी लोगों के लिए एक ना आवश्यक सूचना दे रहा हूँ। और ठीक है, क्योंकि खुद गया था सेंटर पे, ये नहीं है कि यहाँ पे वीडियो में आके खाली बता रहा हूँ, ये आज तक पूरे यूट्यूब चैनल, पूरे इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपको ये रियल उपस्थिति शीट किसी ने दिखाई नहीं होगी दोस्तों। और आप सभी लोगों को ये सारी आवश्यक सूचनाएं कि आपको जब ये फॉर्म मिलेगा तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, जो बच्चे गलतियां करते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों सभी के सभी इतना ज़्यादा शेयर करना कि बहुत सारा प्यार देना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत रिस्क उठाकर ये लेके आया हूँ मैं। अगर ये डाटा अगर पता चलता तो मैं खुद वहाँ से कैंसिल या मैं रिजेक्ट भी हो सकता था। तो दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, बिल्कुल बने रहे हैं एंड तक। दोस्तों, पंजीकरण संख्या आप देख रहे होंगे, उपस्थिति शीट पुरुष, ये पुरुषों के लिए है। तो साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा हस्ताक्षर नामित राजपत्रित अधिकारी, पूरा नाम वो पद कार्यालय की मोहर, यहाँ पे तो उनका मोहर लगता है। अब यहाँ पे आपको जब एंट्री करोगे, जब आपकी एंट्री हो जाएगी अंदर, तो बटालियन आपको टोली वाइज बैठना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले। फिर आपको अंदर बुलाया जाएगा, किसके लिए, उपस्थिति के लिए। तो दोस्तों, ये उपस्थिति शीट में आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है और यहाँ पे पिता का नाम, जो आपकी 10th की मार्कशीट में या आधार कार्ड में, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपने हस्ताक्षर करने होंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे अपने साइन वही करने हैं जो आपने उसके एडमिट कार्ड के टाइम में किए थे, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है यहाँ पे परीक्षा का विवरण, यहाँ देखना, समझने वाली बात, ये आपको खुद नहीं भरना, ये वाला आपको यहाँ ओनली दिनांक भरनी, अच्छे से सुन लेना। देखो, आपको बुरा तो नहीं बोल रहा हूँ ना, आपको पहली अपडेट मिल रही है, पहले ही कोई समझा रहा है, आपको जाते ही वहाँ पे किसी का मुंह नहीं मनाना, पेन दे, ये दे, वो दे, आपको सब चीज़ क्लियर करके ले जा रहा हूँ मैं। अभी बहुत सारे बच्चों के फिजिकल बचे हैं। फिर यहाँ डेट के बाद जिस भी तारीख को आपका फिजिकल होगा उसकी डेट डाल के यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ भी सिग्नेचर करना है। अब दूसरी बात, अब फोटो के नीचे क्या करना है, मोबाइल नंबर डाल देना है अपना, ठीक है, मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे जो भी आपका चालू है, ठीक। मोबाइल नंबर डालने के बाद समझना, ये जो पंजीकरण संख्या है और जो आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा वहाँ पर, एडमिट कार्ड, जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता है वहाँ पे क्या होने वाला है, तो सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। खुद लाइव गया था, विश्वास नहीं हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो के, ठीक है। रिव्यू भी लिया है पूरा और वहाँ का डाटा, क्योंकि मैं खुद फिजिकल दे के आया हूँ, अब विश्वास होगा तो देख लेना आप, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या डालना है, अपना रोल नंबर, जहाँ पंजीकरण संख्या है। अब सबसे अंतिम और लास्ट बात, ये जो फोटो का दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना पड़ेगा आपको। और फोटो चिपकाने का तरीका पता है आपको, एक टेबल पे रख के, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नीचे मिट्टी में रख देते हैं फोटो को, फिर उससे चिपकाते हैं और फिर जो हाथ में गंदगी होती है वो फोटो खराब हो जाती है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है जाते ही बच्चों, क्योंकि देखो कोई कोई बच्चों के पास दो फोटो होती है बड़ी मुश्किल से रखी हुई। तो इसीलिए आप सभी लोगों को ये अपडेट, देखो मैं किसी के यहाँ वो नहीं कर रहा हूँ कि आपको कोई चैनल पर, मैं ये आपको वीडियो दे रहा हूँ बना के, और चैनल पर मैंने नहीं देखी आज तक, मैं भी वीडियोज देखता हूँ औरों की भी देखता हूँ, ठीक है। बट मैंने आपको एक जेन्युइन और रियल जानकारी दोस्तों, ये उपस्थिति शीट ऐसे, ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए लाई, जो नए बच्चों के कमेंट आते हैं सर कि वहाँ पे फिजिकल में क्या क्या होता है, कैसे एंट्री होती है, सब चीज़। तो आज इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी आपकी। और एक आई दूसरी बात, फिजिकल कैसा हो रहा है सर, फिजिकल का कोई आंकड़ा, कोई डाटा। देखो बच्चों, मैं जब खुद गया था सबसे, ये जब ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है पता है आपको, सबसे पहले वहाँ पे जब आपकी एंट्री हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा, बैच नंबर, टोली नंबर। जैसे किसी को 736, 236, 480, तो आपको जो ये जो वो मिलता है ना टैग, जो आपकी छाती पे लगता है, ये कपड़े का टैग होता है, इसमें स्याही से लिखा हुआ होता है कोड। तो ये आपको खोना नहीं है, ये आपको एंड तक रखना है। देखो सबसे पहले आपका क्या होना है, क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद। अब क्रिकेट बॉल थ्रो की बात करते हैं दोस्तों, 50 अगर आप फेंक देते हो तो आप क्वालिफाई है, ठीक है। लंबी कूद देखो, एक्सीलेंट तो 16 है, 15 है, ठीक है, 15, 16, 18 जो भी है। पर दोस्तों अगर आप 13 भी मारते हैं तो भी आप क्वालिफाई है, 12 और 13 में क्वालिफाई है,
मैं बताता हूँ आपको मैं कितनी मार गया हूँ। मैं 14 मार के आया था, ठीक है, और सेकंड राउंड में मैंने 13 की मारी थी लॉन्ग जंप। और दोस्तों एक बात बताऊं, बिना प्रिपरेशन के बस वो हो गया जैसे भी था, ठीक है। तो आप लोगों को ना खुद पे विश्वास रखना भाई, मैं कभी फिजिकल के ग्राउंड में नहीं गया था। कोई बच्चे कहते हैं ना कि मैं तो तैयारी करी है, देखो ऐसा होता है ना कि आप लोगों को अपने पे भरोसा नहीं होता है, आपने चाहे कितनी भी बड़ी तैयारी 10 साल की तैयारी क्यों ना हो, अगर खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। आप लोगों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। चीनिंग अप, अब चीनिंग अप में क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, बीम, यानी कि आपको देखो जैसे हम वो खड़े वाले पुशअप वो करते हैं ना, बीम में लटकते हैं फिर ऊपर के लिए, तो आपको जो टोडी है वो टोडी उस पे उस लकड़ी के गुटके पर सपाट करनी है, बिल्कुल मिला देनी है उस पे। ये नहीं करना है कि हल्का हल्का पुशअप मारे जैसे वो जिम में मारते हैं बॉडी बिल्डिंग करते हुए, आपको ऐसा नहीं करना है। और कम से कम 10 तो आपका एक्सीलेंट है, 10 तो आपको मारने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट बात, दंड बैठक। देखो सबसे जो भयंकर होता है ना, जिस बच्चे की प्रैक्टिस नहीं होगी बिल्कुल भी, वो दंड बैठक की वजह से ना उसके रनिंग पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ये उदाहरण मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये दंड बैठक बहुत ही भयंकर है, इसमें ना आपकी टांगे बिल्कुल थक सकती है पूरे तरीके से, दर्द भी भयंकर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि दंड इसमें क्या होता है ना, दंड बैठक आपको 100 मारने पूरे, ठीक है, और 2 मिनट के अंदर 100 मारने। ये अपडेट भी मैं आज दे रहा हूँ, देखो ये रट्टा मारने वाली बात नहीं है, खुद फिजिकल करके आया हूँ, ठीक है। अब है रनिंग और चाल, अब दौड़ और चाल की बात करते हैं। देखो बच्चों तीन या साढ़े तीन बजे आपकी क्या है, रनिंग के लिए आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, आपकी अटेंडेंस लगेगी रनिंग की सबसे पहले। और आपको मतलब क्योंकि देखिए आजकल धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, और जून का महीना है, जून के महीने में भयंकर धूप होती है, आप सभी लोगों को पता है। और ये हरिद्वार की बात कर रहा हूँ मैं, जिन भी बच्चों का हरिद्वार या देहरादून, ठीक है, यहाँ पे फिजिकल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके आनी है, ठीक है। और फिजिकल जो है ना 70, 80 और 90 इसके आसपास आपको अपनी प्रिपरेशन करके रखनी है, 70 से कम तुम लाइए मत बिल्कुल भी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सर कि इसका कित फायदा होगा हमें रनिंग उसके लिए, रिटर्न के लिए, बिल्कुल होगा। देखिए अगर आप 95 का फिजिकल बना रहे हैं तो रिटर्न के लिए आपको क्या है, कुछ भी नहीं। अगर कट ऑफ 150 पे गया, कट ऑफ अगर 150 पे गया तो आपको कितना, 55 नंबर आपको रिटर्न में लाना होगा। अगर आप 60 भी लाते तो कोई ख़राब तो होगा नहीं, उससे आपका ही सेफ स्कोर में आओगे और अच्छे से। तो दोस्तों ये चीज़ें होती है, जानकारियाँ जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। देखो यूट्यूब चैनलों में बहुत सारे रिव्यूज़ दिखाते, बट हम आपको ऐसा रिव्यू दिखा रहे हैं जो हर कोई नहीं दिखा सकता। ये शीट जो है ना दोस्तों, ये शीट एग्जामिनर के पास रहती है वहाँ पे, और ये शीट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ये मैंने आपके लिए चुरा वहाँ से मैं लेके आया हूँ स्पेशली, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया ना दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब इतना ज़्यादा करना। देखो जो सब्सक्राइब नहीं करेगा ना, आइंदा से मैं ये वीडियो बना के नहीं लाऊंगा, याद रख लेना बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, ठीक है। हम आप लोगों के लिए यार इतना रिस्क उठा रहे हैं, और आप लोग हमारे लिए इतना आपको तो सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, हम ऐसा भी नहीं है कि, ठीक है। तो साथ ही वीडियो अच्छा लगा है ना तो दबा के शेयर कर देना, इतना ज़्यादा शेयर कर देना कि बस एक ही दिन में 50K से ऊपर आ जाएँ, ठीक है। तो साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपने फिजिकल पे अच्छे से फोकस करें जिन भी बच्चों का छूटा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कार्यक्रम को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।